हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का आज ये हमारा 7th लेक्चर है, ठीक है ना। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं रेसिस्टेंस का कनेक्शन, कि अगर हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एक से अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं, जैसे कि अगर आपके न्यूमेरिकल में आपको सर्किट में दे रखा है बच्चे, एक ही सर्किट में दो कनेक्शन दे रखा है सीरीज के रेसिस्टेंस का, ठीक है ना। तो वो दो हो या फिर दो से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो हम पहले दो का डेराइव कर लेते हैं फॉर्मूला, कि कैसे दो से अगर दो रहेगा रेसिस्टेंस तो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे। और इसी बेसिस पे हम लोग दो से अगर ज़्यादा भी रेसिस्टेंस अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड है, 2, 3, 4, तो भी आप इसी बेसिस पे उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आपके सामने एक सर्किट आपको शो कर रहा है बच्चे, इसमें आपका बैटरी लगा है जिससे कि 20 वोल्ट हो रहा है सप्लाई, ठीक है। करंट जो कि आई हमें सप्लाई कर रहा है, ठीक है, करंट आई। और यहाँ दो रेसिस्टेंस है बच्चों, एक ये हमारा हो गया R1 और ये हमारा हो गया R2, ठीक है ना। मैंने यहाँ नेमिंग दे रखा है A, ये हमारा ए हो गया बच्चों, और ये हमारा बी, ठीक है, ए टू बी पाथ कर रहा है, ठीक है ना। ये जो हमारा रेसिस्टेंस R1 है और R2 है, ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है बच्चे। और ये बैटरी और भी वोल्ट, जो हमारा एक बैटरी है जिसका वोल्ट बी है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन के इंड तक करंट पहुंचा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि हमारा R1 से अक्रॉस R1 जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है R1 से, वो हमारा V1 है बच्चों, ठीक है ना। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है R1 से R1 के अक्रॉस, वो हमारा V1 है, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस R2 का है, वो बच्चों V2 है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया R1 के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हमने V1 दिया। और जो हमारे R2 के पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हमने V2 दिया, ठीक है, V1 और V2। और हमने वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया अपने बैटरी से, ठीक है ना। सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों रेसिस्टेंस से, वो भी होगा। होल वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों रेसिस्टेंस से बच्चों, वो हमारा भी होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं V=V1+V2, ठीक है ना। V हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V1+V2, जो कि हमारा V1 है R1 के अक्रॉस और V2 है हमारे R2 के अक्रॉस, ठीक है ना। तो ये तो अभी हम लोगों ने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखा, जो कि हमारे बैटरी के कारण हुआ। अब हम लोग मानते हैं कि जो टोटल रेसिस्टेंस है बच्चे, जो कम्बिनेशन है वो R है, और करंट जो हमारे पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है बच्चे, वो I हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बाय ओम्स लॉ, अब हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं बच्चे, V=IR, ठीक है। ये जो हमारा R है पूरे रेसिस्टेंस है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस का, उसे हमने R माना है, ठीक है। जो हमारा करंट जो बैटरी से अप्लाई हो रहा है, वो I हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा V=IR हो जाएगा बच्चे। जैसे अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का लिखा, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और जो ओम्स लॉ से हमने लाया उसे हम इक्वेशन टू मान लिया, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जो हमारा पूरा सर्किट है उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, और हमारे R1 और R2 से भी पूरे सर्किट, कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा रेसिस्टेंस R1 है और R2 है, उन दोनों से भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। अगर हम यहाँ भी अगर ओम्स लॉ लगाते हैं दोनों रेसिस्टेंस पे सेपरेटली, अगर अलग अलग दोनों, यहाँ हमारा R1 पे और R2 दोनों पे अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं सेपरेटली अलग अलग, तो हमारा हो जाएगा बच्चों V=I, करंट तो हमारा पूरा सेम है तो हम I लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा R1, ठीक है। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लिया, V=IR2 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा भी आ गया है,
वी वन आया है एंड वी टू, वी वन एंड वी टू, इन सब का जो भी इक्वेशन दो और तीन चार, इन तीनों इक्वेशन से जो भी आया इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। वी वन एंड वी टू वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो भी हमारा सेकेंड थर्ड और फोर्थ से जो भी हमारा वी वन और वी टू का वैल्यू आया बच्चे, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए जैसा कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है बच्चे, वो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है वी इक्वल टू आई आर, यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। वी की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड से आई आर पुट कर देते हैं और वी वन आई आर वन, ठीक है। यहाँ सॉरी हमने यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बच्चे वो वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू है, ठीक है ना। तो हम यहाँ वी का सेकेंड इक्वेशन से यहाँ वैल्यू पुट किए और वी वन का थर्ड इक्वेशन से है तो है हमारा आई आर वन और वी टू का बच्चों आई आर टू, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ हमारा आई आर हो जाएगा और यहाँ दोनों में आई कॉमन है, तो हम आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे आर वन प्लस आर टू, ओके। और यहाँ से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया जो कि हमारा कंबाइंड रेसिस्टेंस है इस सर्किट में, तो वो आ गया बच्चे आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये हमारा इक्विवेलेंट है। तो बच्चे यहाँ हमने देखा जैसा कि आपके सर्किट में दो रेसिस्टेंस था आर वन और आर टू, ठीक है। तो जो आर वन के अक्रॉस हमारा जो रेसिस्टेंस आर वन है उसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया उसे हमने वी वन लिया, और जो हमारा आर टू है उसके अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी टू। और बच्चे जो वोल्टेज है हमारा बैटरी जो सप्लाई कर रहा है वोल्टेज वी, और इस सर्किट में पूरे सर्किट में सेम करेंट फ्लो हो रहा है वो आई है, ठीक है ना। यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, जो हमारे होल सर्किट में बच्चों होल सर्किट में हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हमारा करंट आई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पहले तो हमने लिखा बच्चे, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी वन प्लस वी टू, दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस का जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आर वन है उसका अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वी वन और आर टू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी टू है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अगर हम देखें कि बच्चे यहाँ पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर, आई आर इसे हमने प्रूफ किया है, ठीक है ना, पिछले क्लास में प्रूफ किया था हमने। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और बच्चे यहाँ देखिएगा, अब मानते हैं कि ये तो हमारा ठीक है पूरे सर्किट में हमने यहाँ सेम करंट फ्लो किया, तो यहाँ सेपरेटली आर वन का और आर टू का दोनों का करंट अगर हम सेपरेटली निकालें तो बच्चे हो जाएगा हमारा वी वन इक्वल टू आई आर वन, और जो हो जाएगा फिर हमारा वी टू बराबर आई आर टू हो जाएगा। तो इन दोनों को भी हमने इक्वेशन मान लिया, एक को इक्वेशन थर्ड और एक को इक्वेशन फोर मान लिया, ठीक है। यहाँ देखिएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट था बच्चे वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, और यहाँ देखिएगा यहाँ वी का वैल्यू है, यहाँ वी वन का और वी टू का, इन तीनों का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, वी वन और वी टू का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आता है। यहाँ देखिएगा हमने वी वन वी टू का वैल्यू जो भी है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया बच्चों, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी के जगह हमारा इक्वेशन सेकेंड से आ गया आई आर जो हमने यहाँ पुट कर रखा है, वी वन का वैल्यू था आई आर वन तो हमने यहाँ पुट किया, और यहाँ आपका है वी टू का वैल्यू आई आर टू तो वहां पुट किया। बच्चे यहाँ आप देखिएगा कि आई आई दोनों में कॉमन है तो हमने एक साथ रख लिया, ठीक है। और इधर हमने अगर यहाँ कॉमन जैसे आई निकाले बच्चे, तो दोनों साइड आर आई कैंसल हो गया और आर इक्वल टू हमारा आर वन और आर टू हो गया। तो बच्चे ये जो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया ना, जो भी हमारा कंबाइंड था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था जो भी, उसका हमारा वैल्यू आ गया आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अगर आपके पास यही, ये तो हो गया कि अगर आपके सर्किट में दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप इस तरीके से निकाल लोगे। अगर अब आपके पास दो तीन चार दो रहा तब तो आप इस तरीके से निकाल लो, अगर तीन रहा चार रहा, अगर अगर तीन चार पांच रेसिस्टेंस अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप सेम वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू करोगे, और सेपरेटली वहां जितने रेसिस्टेंस होंगे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, मान लेते हैं कि अगर आपका आर फोर तक है तो आर टू आर थ्री
आर फोर आपका वहां, जैसे हमने यहाँ अभी आर टू तक का इक्वेशन तैयार किया, आप वहाँ आर थ्री और आर फोर ये दो इक्वेशन आपका एक्स्ट्रा तैयार होगा बच्चे, और वहां भी आप सेम करोगे, आई आपका कॉमन हो जाएगा, वहां भी आपका करंट कॉमन हो जाएगा, तो दोनों साइड से कैंसिल और आर इक्वल टू आ जाएगा आर वन प्लस, ये हमने लिखा फॉर टू रेसिस्टेंस, ठीक है, फॉर टू रेसिस्टेंस। अगर आपके पास तीन रेसिस्टेंस है तो आपका आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, अगर चार है तो प्लस आर फोर, अगर आपके पास एन है तो डॉट 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 अप टू एन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चों, ये हो गया। इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन बोल रहा है इफ फोर रेसिस्टेंस ईच वोल्ट 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। आपको बोला जा रहा है कि चार रेसिस्टेंस है, सारे का ए सारा रेसिस्टेंस जो कि आपका चारों रेसिस्टेंस है एक एक वोल्ट का है, उन सबको सीरीज में कनेक्ट है। क्या चीज में बच्चों? सीरीज में कनेक्शन है, उन सारे का चारों का कनेक्शन सीरीज में, तो आपसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो आप रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 अप टू एन तक। तो आपको जैसे ही बोला गया चार रेसिस्टेंस, तो आपका आ जाएगा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, आपको चार बोला गया तो चार ले लेंगे, ठीक है। और अब आपको बोला जा रहा है कि चारों का वैल्यू, आपका आर वन भी 1 ओम का है, आर टू भी आपका 1 ओम का है बच्चों, आर थ्री भी 1 ओम का है, आर फोर भी 1 ओम का है। तो हम चारों की वैल्यू निकाल देंगे, चारों का पुट कर देंगे, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये आपका ओम आ जाएगा, ये हो जाएगा आर इक्वल टू आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, क्योंकि आपका जो चारों रेजिस्टेंस है बच्चों वो चारों एक एक वोल्ट का है, ठीक है ना, ईच सारे का वोल्ट 1 ओम है, चारों रेजिस्टेंस आपका एक एक ओम का है, इसी कारण हमने ऐड किया आगे आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 4, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल, कि पैरेलल में रेसिस्टेंस रहे तो क्या होगा, ठीक है ना, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है ना। तो बच्चों इसका डेफिनेशन होता है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या होगा, कि द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। बच्चे एक बोल क्या रहा है कि आपका जितना भी रेसिस्टेंस, जो भी आपका रेसिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, उसका रेसिप्रोकल, जो भी कनेक्टेड है उसका रेसिप्रोकल, वो बराबर होगा सम, मतलब कि उसके जोड़ के, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, अलग अलग रेसिस्टेंस के जोड़ के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। बच्चों इसको समझने के लिए हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक सर्किट ले रहे हैं बच्चों, जो कि आपके सामने है, ठीक है, ये आपका सर्किट है दैट वी, ठीक है, करंट इससे फ्लो हो रहा है बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है ना। एक हमारा आर वन हो जाता है, ये हमारा आर वन है बच्चों, और ये हमारा आर टू है, वो हमारा रेसिस्टेंस फर्स्ट है और ये हमारा रेसिस्टेंस सेकेंड है। ये दोनों रेसिस्टेंस जो हमारा आर वन और आर टू है बच्चे, ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है, एक पॉइंट में, ठीक है ना। एक बैटरी दी जो कि इसमें लगा चुका है बच्चे, बैटरी लगा हुआ है इस कॉम्बिनेशन में, और जो वोल्टेज भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। इस केस में होगा क्या बच्चों, की जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों रेसिस्टेंस के एंड में अक्रॉस बोथ रेसिस्टेंस विल बी सेम, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल वाले सर्किट में होता है बच्चों वो सेम होता है दोनों एंड तक, ठीक है ना। और ये हमारे बराबर होगा जो कि हमारा वोल्टेज बैटरी से यूज किया जा रहा है, ओके। और जो हमारा करंट होगा बच्चों इन दोनों रेसिस्टेंस में जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो सेम नहीं होगा, यहां हमारा वोल्टेज सेम होगा, पूरे में भी हमारा सेम होगा,
जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस होगा, आर वन और आर टू के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे वोल्टेज वी के बराबर होगा, जो कि सेम होगा, पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। ओके, और जो हमारा करेंट है बच्चों वो सेम नहीं होगा, ठीक है। जो टोटल करंट सर्किट में आई फ्लो हो रहा है वो जो आर वन और आर टू के पास से फ्लो हो रहा है बच्चों, जो हमारे आर वन और आर टू से पास कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, हमारे आर वन के पास आई वन और आर टू के पास आई टू, ठीक है ना। तो जो हमारा आर वन है यहां हमारा करंट आई वन आएगा, और जो हमारा आर टू है यहां हमारा करंट आई टू आएगा, ठीक है, आर टू के पास आई टू आएगा। ओके, तो जो हमारा टोटल करंट हो जाएगा इस कंडीशन में, टोटल करंट आई इक्वल टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू। ओके, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ एंड ऑफ द रेसिस्टेंस इज सेम, ठीक है। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है, जो कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस आर पे लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चे, बाय ओम्स लॉ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बच्चों, तो वो हो जाएगा आई इक्वल टू वी वटा आर, लेकिन जो हमारा होता है वी इक्वल टू आई आर होता है, उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा आई इक्वल टू वी बाय आर, जो कि हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं हमने आपको बताया कि जो हमारा करंट होगा वो दोनों इंड दोनों रेसिस्टेंस के पास पार्ट बाय पार्ट जाएगा, एक में आई वन और एक में आई टू जाएगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो भी होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा, ठीक है, अक्रॉस बोथ द रेसिस्टेंस। ओके, तो हमारा जो अगर सेपरेटली करंट देखें तो हमारा आ जाएगा आई वन इक्वल टू भी बाई आर वन, ये हमारा इक्वेशन थर्ड, और आई टू इक्वल टू भी अपॉन आर टू, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फोर हो जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे क्या बच्चे कि जो भी हमारा आई हमारा जो वैल्यू है बच्चे वो टू थ्री और फोर का, जो भी हमारा आई का वैल्यू है उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है ना, putting the value of I1 and I2 in equation first. चलिए तो हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है क्या, I इक्वल टू I1 प्लस I2, और हमारा इक्वेशन सेकंड में आ रहा है बच्चों I की वैल्यू आती है वी अपॉन R, ओके, I1 की वैल्यू वी वाई R1, I2 की वैल्यू वी अपॉन R2, ओके, तो यहां से वी अगर हम बाहर निकाल के लिखे बच्चों तो यह हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R, ओके, और यहां आ जाएगा भी दोनों में कॉमन, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ओके, तो भी कैंसल आउट, और जो हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 वाई R1 प्लस 1 वाई R2, ठीक है। तो अगर दो रेसिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, तो उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 1 वाई R इक्वल टू 1 वाई R1 प्लस 1 वाई R2, ये तो हमने आपको बताया दो रेसिस्टेंस हो, ठीक है, अगर आपके पास तीन हो, चार हो, या फिर पांच हो, या फिर n तक हो, ठीक है ना, तो वो आपका आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस डॉट 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 अपॉन 1 अपॉन n तक, ठीक है, ये हमारा n तक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों किसी भी रेसिस्टेंस जो हमारा सर्किट में पैरेलल में लगा हो, या तो वो दो में लगा हो या फिर तीन में लगा हो, जैसे कि यहां हमने देखा कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेसिस्टेंस
अक्रॉस द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो भी हमारा ये रेसिस्टेंस R1 और R2 हुआ बच्चे, हम तो दो लेकर आपको समझा रहे हैं। अगर आपके पास तीन रेसिस्टेंस भी हो बच्चे तो भी सेम तरीका हम अपनाएंगे, तो वहां भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वो भी हमारे वोल्टेज के इक्वल होगा और जो हमारा करंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ तीन रेसिस्टेंस है तो हमारा R1, R2 और R3 होगा। तो R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3 होगा। तो यहाँ हम एक इक्वेशन और तैयार करेंगे और उस तरीके से हमारा तीन रेसिस्टेंस का भी निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक, और आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।